नमस्कार सोनमुड़िया टिप्स को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जदि आप प्रथम थर पर माँ हाबक जाऊँगी आपण को मनरे गोटे क्वेश्चन उठवा पूरा नॉर्मल कथा कि मोर नॉर्मल डिलीवरी हबो ना सिजेरियन डिलीवरी हबो। तो एक कथा जानिबा आपण को किसी खास लक्षण प्रति ध्यान देवाक पड़ो। आपण जदि किसी खास लक्षण प्रति ध्यान देवे तेल आपण निजे जापरेंगे आपणकर नॉर्मल डिलीवरी हबो ना सिजेरियन डिलीवरी हबो। तो आज वीडियो रे आम से ही सब लक्षण विषय कथा हबा जो सब लक्षण आपण अनुमान लगे पारे कि आपणकर नॉर्मल डिलीवरी हबो कि सिजेरियन डिलीवरी हबो। तो चलंतु ए वीडियो को स्टार्ट करबा और आपण ए वीडियो को लास्ट पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। गोटे कथा आपण जानि थांतु कि प्रेगनेंसी समय रे एमती बहुत किछि कंडीशन अछि जो कारण नॉर्मल डिलीवरी हबा बहुत कष्ट होता है। डॉक्टर से सब केस रे नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी करती सिजेरियन ही करने पड़ी था। तो से सब कंडीशन कौन चलतु जानिबा। जदि जने महिला प्रेग्नेंट अछंती एवं तांकर प्रेग्नेंसी समय रे जदि प्लासेंटा प्रीविया अछि माने तांकर प्लासेंटा जदि तळ आडुकु अछि माने लो लाइंग अछि एहा छडा बेबी तांकर जदि ब्रिज पोजीशन ने अछि माने जदि मझी पोजीशन ने ऊपर को मुंड करिके अछि जदि तांकर प्राइवेट पार्ट इन्फेक्शन हे जाय छि किंबा तांको यूटेरस रे जदि इन्फेक्शन हे जाय छि एहा छडा जदि तांकर एई प्रेग्नेंसी पूर्वरु मिसकैरेज अगरु हेइथिला बा एमती किछि हिस्ट्री जदि तांकर अछि एवं तांकर बीपी जदि बहुत हाई अछि ता सहित जदि तांकर थायराइड प्रॉब्लम अछि कौन सी कारण रु भी जदि तांकर ब्लीडिंग होउछि तो यही सब कंडीशन जदि जने महिलांकर थिबो ताहले यही सब कंडीशन ने डॉक्टर तांकर नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी करिवेनी। डॉक्टर तांकु सिजेरियन ही करबा को कहिथांती जेहेतु तांकर यही सब प्रॉब्लम अछि आगु को किछि रिस्क न नबा पई माने आगु को तांकर किछि असुविधा न हो सेति लागि डॉक्टर तांकु सिजेरियन करबा को कहिथांती। तो एबि मु आपन को किछि लक्षण कहिबी जोथिरु आपन अनुमान लगे परिबे कि आपनकर नॉर्मल डिलीवरी हबो। तो आमे प्रथमे जानिबा कि नॉर्मल डिलीवरी हबारो कोन कोन सब लक्षण अछि। आपन समस्त जानिथिबे कि जेतेबेले जने महिला प्रेग्नेंट थांती सेतेबेले तांको डॉक्टर तांको गोटे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कहि थांती माने जोटा को ईडीडी कहा जाए माने डॉक्टर आपन को गोटे डेट देथिबे एवं आपन को कहि थिबे कि एई डेट रो आखपाख समय रे आपन को डिलीवरी होबार बहुत संभावना अछि। तो एई लक्षण सब सेई डिलीवरी डेट रो 4 सप्ताह पूर्व रु देखा दे थाए बा आरंभ हो जाय थाए। तो प्रथम लक्षण होउछि बेबी मूवमेंट कम होबा। जदि जने महिला प्रेग्नेंट अछंती एवं तांकर जदि 8 मास हेई गलानी एवं ता परे जदि तांकर बेबी रो मूवमेंट जदि टिके हल्का कमी कमी आसूची ता माने नुहे जी पूरा कमी जीव सेमती बिल्कुल भी नुहे। हलचलटा आपण जाणीपारुथिबे किंतु आगो अपेक्षा हलचलर मात्रा टिके कमी जाइथिबो ता माने बेबी तार मुंड को मार पेल्विक रे पूरीबा आरंभ करि देलानी जा फळरे बेबी आउ ता बॉडी को एते हलचल करि पारेनी एवं तार मूवमेंट कम हो जाए। तो एमती हेले आपण अनुमान लगे पारे कि आपणकर नॉर्मल डिलीवरी होबार बहुत संभावना अछि। सेकेंड मु आपन को कहिबी आपन को जदि परिस्रा बहुत थर लागुची एमती तो देखिबा को गले पूरा प्रेग्नेंसी समय रे जने महिला को परिस्रा बारंबार लागिथाय किंतु जदि तांकर 8 मास परे जदि तांकर एई प्रॉब्लम देखा दउची माने आगुरु तांकु जो हिसाब रे परिस्रा लागुथला जदि 8 मास परे 5-10 मिनिट रे जदि थरे थरे परिस्रा लागुची माने तार मात्राटा जदि आपणकर बढ़ जाइछि माने आपनको लागुछि एबे मते बहुत कम टाइम रे बारंबार परिस्रा लागुछि कोन पय लागुछि ताले आपण जानि रखंतु बेबी रो मुंड मारो यूरिन ब्लैडर को पुश करि थाय माने जदि बेबी रो मुंड मारो यूरिन ब्लैडर उपरे प्रेशर पकेई थाय ताहेले मा को बारंबार परिस्रा लागि थाय 5-10 मिनिट रे तांको बारंबार परिस्रा लागि थाय ताहेले आपण जानि रखिबे कि आपणकर नॉर्मल डिलीवरी होबार संभावना बहुत अधिक अछि। थर्ड रे म आपण को कहिबी जदि जने महिलांकर यूटरस रो मुह जदि खोलिबा को लागिलानी एटा आपण जानि परिबेनी एटा जेतेबेले डॉक्टर चेक करिबे सी ही जानि परिबे जने महिलांकर यूटरस रो मुहटा केत्ते खोलिछि कि नाही एटा केवल डॉक्टर ही जानि परिबे। जदि आपणकर से यूटरस रो मुह जदि खोलिलानी ताहेले आपणकर नॉर्मल डिलीवरी हेई पारे एटा भी नॉर्मल डिलीवरी होबार गुटे लक्षण अटे। जदि जने महिलांकर 8 मास परे तांकर जदि पिठी तळ पार्टटा जदि बहु जोरे बिंधाबिंधि करूची एमती तो देखिबा को गले प्रेग्नेंसी रो पूरा मासटा माने प्रथम मासरु 9 मास पर्यंत आमर पेट काटे आमर पिठी बिंधाबिंधि करे एमती तो हुए किंतु 8 मास परे जदि ए लक्षणटा आपणकर अधिक देखा जाउची एवं पिठी रो तळ पार्टटा जदि अत्यधिक बिंधुची बा आपणकु कष्ट लागुची ताहेले से महिलांकर नॉर्मल डिलीवरी होबार बहुत संभावना थाए। एया छडा आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा अछि बहुत प्रेग्नेंट महिला जो माने निजे अनुभव करी पारंती कि तांको बेबी तळ को आसी गलाणी तळ को मुंड करी सालाणी तांकु तांकर तळ पार्टटा भारी भारी लागे तो से जानी पारंती कि तांकर बेबी रो मुंड तळ आडु को हेई सालाणी माने पेल्विक रे पसिबा पसिबा होउची किंबा पसि सालाणी। जदि आपण एक कथा को अनुभव करी परिबे ताहेले आपण जानी परिबे कि आपणकर नॉर्मल डिलीवरी होबार बहुत चांसेस अछि। तो
ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ମାନେ 8 ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କରାଇବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବାହାରିବ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି, ସିଏ ସିଜେରିଆନ୍ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବି ଖରାପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଣିବେନି, କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି କି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବନି, ସେ କେସ୍ରେ ଡକ୍ଟର ସିଜେରିଆନ୍ ହିଁ କରାଇବେ। ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ବି କରିବେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଫ୍ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।